मेरे साथ हमारे पुराने लीडर सीनियर लीडर इंजीनियर ताहिर साहब, मेरे साथ जोहर साहब बहुत पुराने लीडर है, हमारे जो सजाद साहब ये भी बहुत पुराना लीडर है। आज का मुद्दा हमारा ये है, जो हमारे शेख वसीम बारी साहब जो शहीद हो गए, इसी दिन वो शहीद हो गए हैं। हमारे जो संगठन मंत्री मुदस्सिर साहब के हुक्म से आज हम यहाँ पे आए हैं कि उसके खराज इक़ीदत के लिए और पानी वानी जो भी होगा वो हमें बांटना है। अभी आगे भी जाना है हमें। आपको पता है हमारा पार्टी का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रिया, जो भारतीय जनता पार्टी करती और करती आएगी। आपको पता ही हमारा जो ये वसीम बारी साहब था, इसने पहला झंडा यहाँ बांडीपोरा में उठाया है इंडिया का, हिंदुस्तान का, इसलिए वो शेर हिंदुस्तान था। मैं गुजारिश करता हूँ एलजी साहब को, जो हमारे गुलशन चौक है उसको शेख वसीम बारी के नाम से रखना चाहिए, क्योंकि उसने देश के लिए कुर्बानी दी है। मैं एलजी साहब और डी साहब को गुजारिश करता हूँ, ये जल्द से जल्द ये फैसला होना चाहिए, जो वसीम बारी जो हमारे शहीद थे, शेर थे, उसने अपना घर ही उसका ख़त्म हो गया एक ही दिन। उसका सुल्तान से उमर सुल्तान साहब, शेख बशीर साहब उसका जो फादर था, एक ही दिन में इनका ख़ानदान ख़त्म हो गया। इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ अपने एलजी साहब को, क्योंकि जो गुलशन चौक है उसको शेख वसीम बारी के नाम से हमें रखना है। आज ही के दिन एक बहुत बड़ी दुखद खबर जब हमें शाम को पता चला, आज से 3 साल कबल पहले की बात है, और उस वक्त जब पता चला कि अननोन गनमैनों ने शहीद वसीम बारी को शहीद किया गया और उसके वालिद साहब शहीद बशीर साहब को गोलियों का निशाना बना के, और साथ में उनके छोटे भाई जो कि बहुत ही काबिल इंसान और इस बांडीपोरा का एक नया रूबरू होने वाला एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने बांडीपोरा के विकास के लिए काम करना था, और ये दुखद खबर मुझे 7:45 पे मुझे मिला कि मैंने उसी टाइम पे जब मुझे ये खबर मिली कि ऐसे तरीके से गतिविधि हो गई है, घाटी में खून बहाया गया शहीद वसीम बारी का, तो मैं बाहर था, बाहर से मैंने जितना भी मुझे जल्दी हो सका तो मैं यहाँ पहुंचा और मैंने देखा कि तीनों के तीनों वालिद साहब, छोटा भाई और शहीद